फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नैतिक। तो आज हम देखेंगे ऐसे 19 स्टेप्स जो हमें एग्जाम में फुल मार्क्स यानी 100% आएगा। 19 टिप्स टू स्कोर 100% इन एग्जाम। तो चलिए देखते हैं, हम अपने वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज प्लान योर शेड्यूल, गिव एक्स्ट्रा टाइम टू स्टडी। मतलब अपना शेड्यूल आप प्लान कीजिए, आप स्टडी को एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। आप जो शेड्यूल बनाते हैं ना, उससे आप स्टडी को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। फिर नोट मेकिंग इज एन इफेक्टिव मेथड। तो हम जो नोट बनाते हैं, नोट मेकिंग जब हम पढ़ते हैं, तो जब हम नोट बनाते हैं ऐसी चीज का, जब हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है, अभी तो ऑनलाइन क्लास भी चलती है, और जब टीचर समझाती है, तो हमें नोट कर देना चाहिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। गूगल में तो आप कभी गूगल की वेबसाइट में जाएंगे और लिखेंगे आपका स्टैंडर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपका स्टैंडर्ड के पहले वाला ईयर क्वेश्चन पेपर, तब आपको अच्छे से मिल जाएगा आपके बोर्ड का ही, और आप उसे सॉल्व कर दे सकते हैं। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स व्हाइल स्टडिंग। मीन जब आप पढ़ते हैं तो आपको उनके कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे से समझने चाहिए। मीन्स ऐसा रटना नहीं चाहिए मैथ्स में, हमें एकदम कॉन्सेप्ट समझने चाहिए, फॉर्मूलाज, तब हमें सारे समझ सकते। हाँ, ग्रुप स्टडी कैन हेल्प। मतलब हम अभी तो हम किसी के घर कर जा नहीं सकते, पर अभी तो हमें हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, हम ऑनलाइन स्टडीज भी कर सकते हैं। जैसे कोई एक चैप्टर वन लेगा, कोई चैप्टर टू लेगा, कोई चैप्टर थ्री लेगा, फिर कोई इसका रिवाइज करेगा वैसे। एंड ऑल्सो डू सेल्फ स्टडी। मतलब हम सेल्फ स्टडी भी कर सकते, जरूरी नहीं है हमें ग्रुप स्टडी करने, हम सेल्फ स्टडी भी कर सकते, मतलब खुद से करना। सॉल्व ऑल एक्सरसाइजेस। मतलब जो बुक के सारे एक्सरसाइज है उन्हें सॉल्व कीजिए, ऐसे मत कीजिए वन किया टू नहीं किया, थ्री किया फोर नहीं किया, ऐसे में आपको हेल्प नहीं होगी, आपको सारे एक्सरसाइज सॉल्व करने चाहिए, समझे। अब नेक्स्ट, सॉल्व ऑल एग्जाम्पल्स। मतलब किसी किसी बुक्स में एग्जाम्पल भी दिए रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में, तो आपको एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने चाहिए। इफ नॉट अंडरस्टूड रिपीट स्टेप 6, 7, 8। अगर आपको ये सब नहीं समझा तो स्टेप 6, 7, 8 रिपीट करना है। तो स्टेप 6 है कैन डू सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी करो। स्टेप 7 है सॉल्व ऑल एक्सरसाइजेस, सारे एक्सरसाइज सॉल्व करो। और स्टेप 8 है सॉल्व ऑल एग्जाम्पल, तो जो बुक के सारे एग्जाम्पल्स होते हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। स्टेप 10, कम अप विथ क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, 10th स्टेप है कम अप विथ क्वेश्चंस एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम योर टीचर। मतलब हमें जो माइंड में क्वेश्चन आते हैं, हमें उन्हें बुक में नोट कर देने चाहिए, और जब भी क्लास का वक्त होगा टीचर से वो क्वेश्चन पूछते रहने का। नेक्स्ट, सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर। अभी जैसे आपकी स्कूल की कोई वेबसाइट होगी या जहाँ वहाँ पर टीचर्स एक सैंपल क्वेश्चन पेपर देते हैं, आप उन्हें सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट, लास्ट 20 डेज ऑफ प्रैक्टिस मोस्ट क्रूशियल। मतलब लास्ट 20 डेज पहले, 20 डेज के बाद एग्जाम होता है, तो हमें प्रैक्टिस कर देनी चाहिए। अब क्रूशियल का मतलब है सक्सेसफुल, हम लास्ट 20 डेज अगर पढ़ेंगे ना तो हम एकदम सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट, नो योर लर्निंग स्टाइल। मतलब अपने लर्निंग स्टाइल को नोट करो, हम कैसे खाएंगे। मतलब जब हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोई के लोगों को होगा, हम बनाने की स्टाइल पढ़ रहे हैं तो बनाना खाते खाते वैसे कीजिए। जैसे अभी आपको राइटिंग, कॉपी राइटिंग करते करते समझता है, किसी को कुछ करने की समस्या है, किसी को लर्न करने में, तो आप अपनी लर्निंग स्टाइल को जानो। कलर कोड योर नोट्स। मतलब आपके जो नोट्स है उसको कलर कोड तो आपके पास होगा, बुकमार्क टाइप, आप उसमें नोट कर दीजिए। ये स्टेप सबसे सेम। स्टार्ट असाइनमेंट इमीडिएटली। मतलब अभी तो ऑनलाइन है,
तो अभी तो असाइनमेंट्स आते हैं, वर्कशीट्स आते हैं, अब उन्हें सॉल्व करना तुरंत चालू कीजिए, रिपीट कीजिए, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, सारे इंस्ट्रक्शंस को एकदम अच्छे से फॉलो कीजिए जो बुक में दिए है, जैसे इंग्लिश बुक में वो दिया है तो आपको वो फॉलो करने थे, आपको अच्छे से याद आएगा। फाइंड एन एनवायरमेंट विद नो डिस्ट्रैक्शन, मतलब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो कुछ नॉइस पॉल्यूशन आ रहा है तो उससे एकदम दूर रहिए, ऐसे जगह जाइए जहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, जैसे आप एक रूम में चले जाइए और उसे लॉक कर दीजिए, या लॉक नहीं करना तो बंद कर दीजिए दरवाजा, तो वहां पर कोई आवाज नहीं आएगी और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट, कीप गैजेट्स अवे व्हाइल स्टडी, मतलब जब भी आप पढ़ रहे हैं और आपके फोन में कोई नोटिफिकेशन आया या कुछ आया मैसेज, तो आप उसे दूर कर दीजिए, मतलब आपके एनवायरमेंट फोन नहीं होना चाहिए सर तरीके टाइप पे। मेक नोट्स व्हाइल स्टडी, सेम है जब आप पढ़ रहे हो और आपको एकदम कुछ इम्पोर्टेंट होगा कि ये मुझे तब से याद नहीं हो रहा, मैं इसे याद कैसे करूं, तो आप नोट्स बना लीजिए उसके। फ्रेंड्स आई होप आपको 19 स्टेप्स अच्छे से समझ आ गई होगी, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करूंगी। प्लान योर शेड्यूल, स्टेप 1 प्लान योर शेड्यूल, गिव एक्स्ट्रा टाइम टू स्टडी। स्टेप 2 नोट मेकिंग इज एन इफेक्टिव मेथड। स्टेप 3 सॉल्व प्रीवियस your question papers. Step 4 understand the concepts while studying. Step 5 group study can help. Step 6 can also do self study. Step 7 solve all exercises. Step 8 solve all examples. Step 9 if not understand repeat. Can also do self study, solve all exercises, solve all examples. Step 10 come up with questions and take guidance from your teacher. Solve step 11 solve sample question papers. Step 12 last 20 days of practice is successful. Step 13 know your learning style. Step 14 color code your notes. Step 15 start assignments immediately. Step 16 follow the instructions. Step 17 find an environment with no distraction. Step 18 keep gadgets away while studying. Step 19 make notes while studying. सो दैट्स फॉर टूडेज वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय।